हेलो फ्रेंड, पॉपुलर टीवी सीरियल अनुपमा के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि अनुज और अनुपमा के महामिलन से विलन माया का होगा अंत। माया को बहुत जल्द मिलने वाली है उसकी काली करतूतों की सजा। माया पहुंचने वाली है बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे। तो वहीं अनुज और अनुपमा फिर से एक बार से एक दूसरे के हमेशा हमेशा के लिए हो जाएंगे जब उनकी मुलाकात होगी अहमदाबाद में। और एक दूसरे से मिलते ही, एक दूसरे के पास आते ही, एक दूसरे से बात करते ही उन दोनों के बीच की सारी गलतफहमियां सब दूर हो जाएंगी। और ये सारी चीज़ें कैसे होने वाली है और माया किस तरह से जेल की हवा खाने वाली है, ये सब कुछ हम आपसे शेयर करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल टेलीबूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं सारी बात। जहां अंकुश भाई का कॉल जब अनुज के पास आता है कि उसको वापस आना होगा बिजनेस के चलते, तो वहीं माया को इस बात का डर सताएगा कि कहीं अहमदाबाद पहुंचकर अनुज जो है वो अनुपमा से मुलाकात ना कर ले। लेकिन यहाँ बरखा जो है वो अपने फ़ायदे के लिए अंकुश के ज़रिए अनुज को कॉल करवाती है और अनुज को वापस बुलवाती भी है। तो वहीं विलन माया अनुज को बिल्कुल भी नहीं रोक पाती है जाने से, माया के माया जाल से बाहर निकलता नज़र आएगा अनुज। तो वहीं अहमदाबाद एयरपोर्ट पे एक दूसरे से टकराते हुए नज़र आएंगे यहाँ अनुपमा और अनुज। तो वहीं माया कैसे पुलिस कस्टडी में जाने वाली है, तो आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि माया के पीछे पुलिस इसलिए पड़ी है क्योंकि माया गंदे कामों में डील करती है, उसका बिजनेस ही यही है। और वो ना तो छोटी अनु की कोई बायोलॉजिकल मदर है और ना ही संपत उसका पहला पति था। माया यहाँ पर एक जालसाज, एक जालबाज और बहुत चालाक और लुटेरी औरत है और ये सारी सच्चाई सामने आने वाली है। तो वहीं छोटी भी माया के खिलाफ जाकर अपने मम्मी पापा को एक दूसरे के सामने लाएगी और एक दूसरे से मिलवाएगी और उन दोनों को फिर से एक करवाएगी, जिसके बाद अनुज और अनुपमा के बीच की गलतफहमियां दूर होने वाली हैं जब सारा सच उनके सामने आएगा। वहीं अनुज और अनुपमा के मिलन से बरखा के तो सारे सपने टूट ही जाएंगे और छोटी अनु की इस कोशिश से माया तो पहुंच जाएगी जेल क्योंकि उसने काफ़ी सारे गंदे कामों में अपनी इन्वॉल्वमेंट रखी होती है। तो पुलिस यहाँ पर आके अरेस्ट करने वाली है माया को। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप सबको दिखाई जाएंगी सीरियल अनुपमा की आगे आने वाली कहानी में। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।